सो ही नो गाइस, कैसे हो सारे? तो गाइस मैं आ चुकी हूं और नई वीडियो के साथ। और गाइस ये वाली वीडियो बहुत ही ज्यादा मजा आने वाले, क्योंकि यार आज हम ऐसी बात करने वाले हैं यार जो कि किसी ने नहीं की अभी तक। तो हम पहली बार ये बात करने वाले हैं, हाँ मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले यार, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो और लाइक भी कर देना। तो चलो यार वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस यार आज हम बात करने वाले जो नया अपडेट आने वाला है 1 अप्रैल को क्लैश ऑफ क्लैंस में, तो गाइस उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो गाइस यार आपको तो पता ही होगा कि न्यू अपडेट आ रहा है क्लैश ऑफ क्लैंस में 1 अप्रैल को। आपने मेरी पिछली वाली वीडियो अगर देखी होगी तो आपको पता होगा, ठीक है। तो गाइस उस अपडेट में क्या आ रहा है वो तो वो भी आपको पता होगा। तो गाइस उस अपडेट में आपको पता होगा कि गोल्ड पास और सिल्वर पास आ रहे हैं। सिल्वर पास सबके लिए फ्री है, पर गोल्ड पास जो है हमें परचेज करना पड़ेगा। सो गाइस क्या परचेजिंग वर्थ रखता है गोल्ड पास? क्या परचेज करना चाहिए? क्या फ़ायदा होगा हमें परचेज करने से? हमें क्यों नहीं करना चाहिए? इसी के बारे में आज हम बात करने वाले। तो यार अभी आपको सारी डिटेल्स बताऊँ तो यार लेट्स बिगिन। तो गाइज यार आपको पता होगा कि सिल्वर पास में अलग रिवॉर्ड्स हैं और गोल्डन पास में अलग रिवॉर्ड्स हैं। सो गाइज इन्हीं बीचों के डिफरेंस पहले जान लेते हैं कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। सो गाइज बेसिकली सिल्वर पास में आपको कुछ अच्छे अच्छे रिवॉर्ड्स मिलेंगे, बट इतने हाई लेवल के रिवॉर्ड्स नहीं मिलेंगे जो कि लाइक ये गोल्डन पास में मिलते हैं। गोल्डन पास में मिलेंगे आपको बुक ऑफ हीरोज, बुक ऑफ एवरीथिंग, डार्क रून और हीरो स्किन, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रीशियस है और काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है। गेम खेलने भी मज़ा आएगा यार जब स्किन होगी अपने पास। सो यार मैं तो यही बोलूँगा, ठीक है, जैसे अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट ऑफ द गेम, आप गेम के हिसाब से आपका इंटरेस्ट कितना है गेम में। अगर आप ठीक है नॉर्मल खेलते हो, टाउन हॉल 8 के प्लेयर्स हो, नॉर्मल खेलते हो, मतलब नॉर्मल ओके, सो आप, मैं बोलता हूँ आपको नहीं खरीदना चाहिए सिल्वर गोल्डन पास, नहीं खरीदना चाहिए ओके। और आप यार जिस गेम में फ्यूचर देखते हो कि नहीं मेरे को आगे जाना है, मेरे को मैक्स करना अपना बेस, मेरे को क्लैन वॉर लीग्स में लाइक मेरे को आगे जाना है, मतलब मेरा इस गेम में फ्यूचर देख रहा हूँ मैं अपना, तो यार आप जो है गोल्डन पास ज़रूर परचेज करना चाहिए आपको। और मैं बताना चाहूँगा मेरे जैसे लीग के हिसाब से मेरे को पता लगा है कि यार ये जो गोल्डन रून ये गोल्डन पास होगा वो $5 का होगा। $5 मतलब इंडियन रुपीस कितने, 775 से कितने होते मेरे यार मैथ्स कमज़ोर है, रुको, हाँ 350 रुपीस, तो 350 रुपीस का, अरे यार हो गया ना मेरा पोपट, चलो कोई नहीं होता है। तो गाइज 350 रुपीज़ में लाइक मज़े ही आ जाएगा, ठीक है आपको। 350 रुपीज़ इज़ नॉट अ बिग डील फॉर यू गाइज फॉर अ गोल्ड पास, बिकॉज गाइज आपको अब बताता हूँ गोल्ड पास आपको क्यों लेना चाहिए, ठीक है। अब तो पता चल गया लेना चाहिए, आपको बता दें आपके अकॉर्डिंग के हिसाब से, तो अब बताता हूँ क्यों लेना चाहिए ओके। सो गाइज सबसे पहली चीज़, गोल्ड पास में जो रिवॉर्ड्स मिलेंगे वो काफ़ी ज़्यादा डोप होंगे ओके। लास्ट में एक स्किन मिलेगी, हीरो स्किन, हर महीने अलग अलग स्किन मिलेगी, तो स्किन का भंडार हो जाएगा, ठीक है। मेरे को ये एक चीज़ पसंद आई। सेकंड चीज़ है गाइस, अब थोड़ा थोड़ा मैं कॉमर्स वाला हूँ ना, तो थोड़ा मैथ्स की बात कर लेते हैं, एक पूरा एकदम दिमाग लगाते हैं, ठीक है थीके? तो अब सो गाइस यार अब बात करते हैं ओके। तो अब देखते हैं ओके। सो गाइस आप $5 का इन्वेस्टमेंट समझो, ये जो गोल्ड पास है उसको आप सिर्फ $5 का अपना इन्वेस्टमेंट समझो। तो अब कॉमर्स वाले हैं तो भाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना मिलने वाला है तो वो मैं बताता हूँ आपको, ठीक है गाइज। आपको पता 25 मिलियन गोल्ड और 25 मिलियन एलिक्सर और 250,000 रुपये, 250,000 डार्क एलिक्सर, ये सब उस बैंक में मिलेगा अपने उस सीजन बैंक में ओके। सो गाइज 25 मिलियन एलिक्सर की अगर आप जेम्स में परचेज करने जाओगे तो आपको कितने होते पता है, 7,666 जेम्स लेने पड़ेंगे आपको, देने पड़ेंगे सॉरी 25 मिलियन गोल्ड के लिए, और आपको सिर्फ सीजन पास में $5 में मिल जाएगा। आगे देखना, 25 मिलियन एलिक्सर को भी आपको 7,666 जो जेम्स है ना, इतने जेम्स खर्च करने पे आपको मिलेंगे ये 25 मिलियन एलिक्सर ओके। और 250,000 डायरेक्ट एलिक्सर के लिए आपको 7,333 जेम्स खर्च करने पड़ेंगे। सो कुल मिला के अगर तीनों जेम्स इक्वल्स करें ना, प्लस करें ना, तो 22,665 जेम्स आपको ये सारे रिसोर्सेज के लिए देने पड़ेंगे। सुनो अब टू परचेज 22,665 जेम्स आपको कितना चाहिए, एक चेस्ट चाहिए $99 का ओके, जिसमें कुल मिला के आपको पैसे जाएंगे इसमें करीबन ग्यारह हज़ार रुपये पैसे जाएंगे आपके, ₹11,000। जैसे एक अगर आपको चाहिए $99 का एक चेस्ट खुलेगा, $49 का एक चेस्ट खुलेगा, एक $20 का चेस्ट खुलेगा और एक
टोटल होके 169 डॉलर हो गए उसके चेस्ट के, ठीक है। ये सारे चेस्ट मतलब ये सारे बॉक्स खुलने के बाद 169 डॉलर होंगे, ओके। सो 169 डॉलर को अगर अपन 65 से मल्टीप्लाई करें अपनी इंडियन रुपीज़ में तो 11,000 रुपये। तो गाइस 11,000 रुपये की चीज़ आपको 350 रुपये में मिल रही है, क्या चाहिए क्या ज़िंदगी में, ज़िंदगी में चाहिए क्या भाई आप लोगों को, ये बताओ मेरे को। अब बताओ कैसा है, सही है कि नहीं है, दिमाग लगाया ना भाई। और गाइस इतना जल्दी मैक्स होगा ना यार अपना बेस, जिसकी कोई हद नहीं है, इतना जल्दी होगा। सो गाइस मैं तो बोलता हूँ आपको करना चाहिए यार परचेस। सो गाइस यार मैं तो एंड में यही बोलूँगा कि यार आपको करना चाहिए, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, एक बार करके देखो, अगर आपको पसंद आए तो अगले साल भी, अगले सीजन भी करना, वरना आप परचेज नहीं करोगे तो आपको पता कैसे चलेगा यार कि फ़ायदा क्या हो रहा है हमें, ओके। सो गाइस यार यही थी वीडियो, एंड गाइस अगर अप्रैल तक हमारे 100K सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो होपफुल यार मैं भी दो जो है गिव अवे कर दूंगा, दो जो गोल्डन पास है दे दूंगा, ठीक है। 100K किसी को भी दे दूंगा जो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और जैसे ही 100K होगा मैं दे दूंगा, यह पक्की बात है, ठीक है। 100K अगर अप्रैल में हुआ तो, ओके गाइस। तो चलो गाइस मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय बाय, क्लैश ऑन।